हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम एडुटेरिया और स्पीडी के टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे। और ये मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। और इस सारे क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट होने वाला है, इससे ज़रूर ही होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक आप अपने क्वेश्चन को लगाइए और देखिए आपकी तैयारी इसमें से कितनी बढ़िया हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक जो लिखी गई है वो वन एंड ओनली किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शंस आपके होंगे सलमान रुश्दी रस्किन बॉन्ड, जे के रॉलिंग, अनीश त्रिपाठी। तो दोस्तों मैं आपको बताते जाऊं कि ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो रस्किन बॉन्ड होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो रस्किन बॉन्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी इनके लिखे हुए बुक को ज़रूर पूछता है। पिछले प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप उठाकर देखें तो उसमें रस्किन बॉन्ड के बुक पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सब। तो इनके जो भी बुक होंगे वो सब आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ई परिवहन पोर्टल, ई वाहन पोर्टल, ई अमृत पोर्टल, ई उत्कर्ष पोर्टल। तो आपके सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे ई अमृत पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ई अमृत पोर्टल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हरबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? आपके ऑप्शन होंगे नीति आयोग, नाबार्ड, सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और इसको मैंने एसपीडी और उससे दोनों से मतलब सेलेक्ट करके क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लगे हैं मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को देख लें। कहीं इसमें अगर 2 से 4 अगर मार्क्स भी आपके आ जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, जो वैश्विक हैकाथॉन हरबिंगर 2021 इनोवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया वो किस संगठन ने अपना किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। जी चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली एक्चुअली किया गया है तो इसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन एक है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जी बिल्कुल सही है, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, ये भी सही है, कृष्णा रिजिजू पंचायत राज मंत्री, ये पंचायत राज मंत्री नहीं है, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि किरण रिजिजू जो है वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है इनके पास है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है पंचायती राज मंत्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद
बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन होंगे डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, अवनी दोषी, जसविंदर बिलान, जैनब प्रियडाला। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ताहिरा कुतुबुद्दीन। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां लेख शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन होंगे डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिस्टेड, डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर वी शांता। तो आपके ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे डॉक्टर शकुंतला। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं डॉक्टर शकुंतला। तो डॉक्टर शकुंतला इज द राइट आंसर। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला को दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन होंगे इसरो, डीआरडीओ, इरेडा, सेबी। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इरेडा। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो भी आपके रहेंगे वुमेंस डे, मतलब कैंसर डे, ये मतलब मैं आपको बोल दूं कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थीम से रिलेटेड है, तो उसको आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है कि इसके थ्रू मैं आपको वो सब भी बता दूँ कि वो सब आपको देख लेना चाहिए एक्चुअली। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे इन्फॉर्मेशन इज ए गुड पब्लिक गुड, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि जो ऑप्शन बी है वो 2020 का थीम था, प्रेस का 2020 का थीम था, और ये दोनों तो होंगे नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। वेरी गुड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में दो हरित ऊर्जा कुशल विकास शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। इसके ऑप्शन होंगे ए बिहार, बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये अपने बिहार से रिलेटेड है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है, और पहला राज्य बन गए दो हरित ऊर्जा कुशल शहर। अब ये शहर कौन कौन से होंगे? तो ये जो शहर होंगे वो पहले हो जाएगा राजगीर और दूसरा हो जाएगा बोधगया। जी हाँ दोस्तों, राजगीर और बोधगया यही दोनों जो है वो आपके हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और उसके साथ शिक्षा मंत्रालय ने भी किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश
उत्सव कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये किसने किया गया? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यूनिसेफ, यूनेस्को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? एक्चुअली यहाँ बात हो रही है डेमोक्रेसी रिपोर्ट की। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कौन सा देश एक नंबर पर रहा, यही पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन होंगे डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका, नॉर्वे। तो एक्चुअली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्वीडन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा, देखिए नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022, वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो आपके ऑप्शन होंगे अमेरिका, चीन, रूस, भारत। द राइट आंसर विल बी भारत, इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अपना ही देश है जिस पे अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बसती है। जी हाँ दोस्तों, अरबपतियों की तीसरी आबादी सबसे बड़ी बस्ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिकवरी कीज स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिकवरी कीज स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? आपके ऑप्शन होंगे 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। तो थीम देकर आपसे पूछ सकता है डेट, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस वजह से डेट को भी थोड़ा आपको वो रखना पड़ेगा। हालांकि डेट उतना नहीं पूछता, थीम ही पूछता है एक्चुअली। फिर भी मैंने इसको बस दिखाने के लिए रख दिया कि ये चीज़ें जो वन्य जीव दिवस के लिए जो थीम है, ये चीज़ें आपको एक बार माइंड में आ जाए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। तो इस वजह से मैंने पूछा है, बाकी दूसरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है इस क्वेश्चन का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। जी हाँ दोस्तों, वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस होंगे वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। द राइट आंसर विल बी वियतनाम, वेरी गुड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए दोस्तों, ये सूचकांक वाला क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक मैंने एक वीडियो में एक्चुअली ये बताने की कोशिश करी है, और मैं आज आपको क्लियर भी कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन होंगे 40, 43, 46, 49। ओके दोस्तों, द राइट आंसर विल बी 43। दोस्तों और इसमें नंबर वन पे कौन रहा है, फर्स्ट पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे रहा है अमेरिका। फर्स्ट पे रहा है अमेरिका, और अपना देश जो रहा है 43 नंबर पे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी। हाल ही में खगोलविदों द्वारा, खगोलवादियों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन होंगे एमिलॉयड, ओरेनोस, अल्सेनियस, पिनव्हील गैलेक्सी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे अल्सेनियस। जी हाँ, अल्सेनियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? द ऑप्शन आर चंद्रभान ख्यान ख्याल, हुसैन उल हक, श्री रहमान अब्बास, अरुंधति सुब्रमण्यम। द राइट आंसर विल बी चंद्रभान ख्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, कृषि एवं पशुपालन, सतत विकास और बुनियादी संरचना। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैनग्रोव क्षेत्र कितने हैं? भारत वन स्थिति रिपोर्ट इस बार आई है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो इसमें कुल मैनग्रोव क्षेत्र कितना होगा? तो ऑप्शन आपके होंगे 4792 स्क्वायर किलोमीटर, 4892 स्क्वायर किलोमीटर, 5992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 4992 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो दोस्तों आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मैं सीधा बता दे रहा हूँ, नासा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है? तो आपके ऑप्शन होंगे यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। तो आपके आंसर हो जाएंगे यूके। जी बिल्कुल राइट आंसर यूके। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया यहाँ पे, अब गांधी जी के नाम पे सिक्के भी करने लगे, जबकि पहले इनको बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा था उस समय, और आज देखिए इनके नाम पे सिक्के चल रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश जो बना हुआ है वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा यूक्रेन, बेलारस, बेल्जियम, माल्टा। तो आंसर विल बी योर ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, माल्टा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? किसको प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। वेरी गुड राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को किया है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जी दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है, P3 का क्या मतलब है? तो आपके ऑप्शन होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपल प्लानेट प्रोटेक्शन, प्रो प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी प्रो प्लानेट पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट
ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? वर्ल्ड गेम्स एथलीट। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहेगा अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा और रिवाइज नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आदमी फंसे, बच्चे फंसे, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपके ऑप्शन होंगे नीरज चोपड़ा, अनिल अखेरा, पीआर श्रीजेशी, मनप्रीत सिंह। ये मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के प्लेयर हैं, अनिल अखेरा आपका पैरा शूटिंग की है, नीरज चोपड़ा का तो आपको पता ही है, पीआर श्रीजेशी को मिला है एक्चुअली ये पुरस्कार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीआर श्रीजेशी। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? पीआर श्रीजेशी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेस कौन बना है? यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेस कौन बना है? तो ऑप्शन आपके होंगे दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर, बेंगलुरु बुल्स और चेन्नई सुपर किंग। तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ बिल्कुल राइट, चेन्नई सुपर किंग एमएस धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा करी है? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, उपयुक्त सभी। तो आपके यहाँ आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों को यहाँ पे ऐड किया जाने की बात करी गई है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इन तीनों को ऐड करे जाने की बात करी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस होंगे नीदरलैंड, सिंगापुर, ब्राज़ील, अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। दूसरा ऑप्शंस होंगे, ये तो बिल्कुल सही है, पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 15-40 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, डी आप द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस होंगे 711589 वर्ग किलोमीटर, 713689 वर्ग किलोमीटर, 711789 वर्ग किलोमीटर, 713789 वर्ग किलोमीटर। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि ये डाटा टाइप है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक हिंट देता हूँ कि कैसे इसको ईजिली याद किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं, एक्चुअली देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 113 है, फिर 789, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते क्या? 7 2 14, इसको हम लोग ऐसे याद करते, 7 2 14, तो 13 एक कम रहा, फिर 7 8 9, 7 2 14, 13 रहा, फिर 7 8 9, देख रहे हैं कितना इजी है, 7 2 14 तो 13 आया, फिर 7 8 9, एकदम इजी। ऐसे ही हम लोग किसी भी बड़े से बड़े डाटा को याद कर सकते हैं जो हमारे मेंस में भी बहुत काम आते हैं। तो एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बता ऐसे क्वेश्चन आपने करा, तो आप अपना स्कोर चेक करिए कि आपने कितना सही करा है और कितना गलत करा है, और ऐसे आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू आप सभी का, अगर ये अच्छा लगा और मैं अगर बहुत ही अच्छे से कर पाया हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में, कि वो भी अपने तैयारी को
मेज़र कर पाए कि हाँ वो कितना कर पा रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि ये उनको भी बेनिफिट दे सके। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।